Press the subscribe button and hit the bell icon for more Bollywood updates. बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार, जो कि हमेशा ही अपनी फिल्मों से हंसाते भी हैं, रुलाते भी हैं और साथ ही साथ एक सोशल मैसेज भी देकर जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म केसरी की प्रमोशंस में लगे हुए हैं। तो ऐसा ही एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि आप जैसा कि हर फिल्म में एक नया सोशल मैसेज लेकर आते हैं, तो क्या आपने ये विचार कर रखा है कि आपको सोशल मैसेजेस के थ्रू ही पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है, यानी कि राजनीति में आपका कोई भी इंटरेस्ट है या नहीं? तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। या दोस्तों उन्होंने साफ मना कर दिया और उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं पॉलिटिक्स करूं, क्योंकि ऐसा मैं कर ही नहीं सकता। या तो मैं फिल्म कर सकता हूं या मैं पॉलिटिक्स कर सकता हूं, और अभी मुझे फिल्में बनानी है क्योंकि मेरी फिल्मों से ज़्यादा इम्पैक्ट होता है लोगों की सोचों पे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने एग्जांपल्स दिए कि मैंने पैडमैन बनाई, एयरलिफ्ट बनाई और अब मैं बना रहा हूं केसरी। और ये सभी के सभी इंडिया से जुड़े हुए सोशल मुद्दे भी हैं और एक सोशल मैसेज ऑफ वैल्यूज ज़रूर देते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पैडमैन और एयरलिफ्ट के बाद में कैसे देश का एक रिवॉल्यूशन हुआ है, कैसे देश में पैडमैन के बाद सैनिटरी पैड्स के बारे में आराम से और खुले आम बात हुई है, सोच ऊपर से पर्दा हटाया गया है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और साथ ही साथ अक्षय ने कहा कि अब मुझे पॉलिटिक्स करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं खुश हूँ और मैं यही करना चाहता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को अक्षय कुमार का ये जवाब कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आपको क्या लगता है कि क्या अक्षय कुमार को सचमुच पॉलिटिक्स में आना भी चाहिए या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड जंक्शन को ताकि आपको मिले बॉलीवुड की हर खबर सबसे पहले। Press the subscribe button and hit the bell icon for more Bollywood updates.